एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर चंदौली से है। नाव हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीआरएफ की टीम लगातार अभियान चला रही है, लेकिन अभी भी 5 महिलाओं के शव बरामद नहीं हो पाए। एक नाबालिग का शव मिला है, अब 14 घंटे की कोशिश के बाद ये शव मिला है। अभी भी 2 महिला और 2 नाबालिग की तलाश जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धीना थाना क्षेत्र के महुजी गाँव की घटना है। देखिए, एक नाबालिग का शव मिला है, अभी भी 2 और नाबालिग और 2 महिलाओं के शव बरामद नहीं हो पाए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने एक शव निकाला है। दस्तक जब इस खबर की हुई तो लोग भी सदमे में हैं। एनडीआरएफ एसडीएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 13 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में एक और शव बरामद हुआ है। दो महिला और 2 नाबालिग की तलाश अब भी जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी है। बोट्स के जरिए भी देखिए किस तरह से टीम लगी है। इसके अलावा कई गोताखोर पानी में उतारे गए हैं इन शवों को ढूंढने के लिए। विवेक पांडे हमारे साथ, संवाददाता विवेक, बेहद दुखद घटना है। 14 घंटे की मशक्कत के बाद में अभी एक और नाबालिग का शव बरामद हुआ है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई, क्योंकि लोगों की काफी भीड़ वहां जुटी हुई है तब से लगातार। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 घंटा से एनडीआरएफ और सीडीआरएफ की टीम गोताखोर गंगा नदी में खोज रहे हैं। आपको बता दें कि भारी भीड़ उत्पन्न हुई है। जिला प्रशासन मुस्तैद है और डीएम एसपी और एडीएम खुद जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि अभी एक 15 वर्षीय बच्ची की शव मिला है। अब आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी एक दूसरा शव मिलने की सूचना आ रही है और भारी भीड़ इकट्ठा है और पुलिस की व्यवस्था है। बड़ी दुखद घटना हुई है। और आपको एक बात बता दें कि जो ओवरलोड नाव चलना बंद हो गया था, लेकिन ओवरलोड नाव के चलने के चलते बड़ा हादसा हुआ है। जी चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीमा ऑफिस की ओर से भी देखिए ट्वीट किया गया है बकायदा इसी पूरे हादसे को लेकर। मुख्यमंत्री जी ने जनपद सोनभद्र में हुई खदान दुर्घटना और साथ ही साथ दूसरी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। देखिए, कल 2 घटनाएं घटी उत्तर प्रदेश में जो कि बेहद दुखद रही, जिसमें लोगों की जाने गई हैं। और लखनऊ में दस्तक विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलित कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित कर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, छुआछूत की बीमारी खत्म करनी है, सभी विभागों को एक साथ काम करना है। साफ सफाई से बीमारियां कम हो सकती हैं। हर ग्राम पंचायत में शौचालय बना रहे हैं। बच्चों के लिए टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। सफाई के प्रति भी लोगों को जागरूक होना जरूरी है। नगरीय स्वास्थ्य केंद्र में आज एक साथ कई कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की आज की 5वीं कड़ी है। अब तक 4 आरोग्य मेले संपन्न हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग इन सभी मेलों में 17 लाख से अधिक लोगों को आरोग्यता चिकित्सीय परामर्श, दवा, रोग की जांच के साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस की मुक्ति का हो, आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड को जारी करने का हो,
या फिर पोषण मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने का। ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक इन सभी आरोग्य मेलों के माध्यम से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए लखनऊ और अब शामली भी सीएम योगी का कार्यक्रम है। दोपहर के 2:30 बजे शामली उनका कार्यक्रम है। यहां पर भी कई सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ शामली वासियों को देंगे। 270 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम की समस्त तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहेगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मौजूद रहेंगे सीएम योगी के तमाम कार्यक्रमों के दौरान। सांसद आजम खान को 8 मामलों में जमानत मिलने का मामला। मामले में लापरवाही को लेकर कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र पर पुलिस से मांगी थी, आखिर पुलिस ने नहीं लगाई कोई रिपोर्ट। पुलिस की लापरवाही से आजम खान को जमानत मिल गई है। लापरवाही की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सीएम से की पुलिस की शिकायत। सीएम तक शिकायत पहुंचने पर अधिकारियों ने शुरू की है मामले की जांच। रामपुरा पर जिला शासकीय अधिवक्ता ने लापरवाही के संबंध में डीएम को लिखा है पत्र। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सीएम से पुलिस की शिकायत की है। सीएम योगी तक शिकायत पहुंचने पर अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की है। रामपुर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने भी लापरवाही के संबंध में डीएम को लिखा पत्र। सांसद आजम खान को 8 मामलों में जमानत मिलने का मामला, जिसमें अब लापरवाही को लेकर कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। आलोक राय हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ रहे हैं। आलोक, बड़ा मामला हो गया। अभी तक आजम खान सलाखों के पीछे थे, लेकिन अब जब जमानत मिल गई है तो अधिकारियों पर ही गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है। जी देखिए, देखा जाए तो बिल्कुल बड़ा मामला है, क्योंकि आजम खान के खिलाफ लगभग 68 मुकदमे दर्ज हुए थे रामपुर में। और सबसे बड़ी बात यह कि सारे मुकदमे जो हैं, इनमें से ज्यादातर मुकदमे जो हैं वो जौहर विश्वविद्यालय की जमीनों से संबंधित हैं, कि किस तरह से आजम खान जब उत्तर प्रदेश सरकार में, पिछली सरकार में मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे, तो उन्होंने किस तरह से अपने रसूख का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके जमीनों को अवैध रूप से जौहर विश्वविद्यालय में जबरदस्ती कब्जा करके उसमें शामिल कर लिया। तो तमाम शिकायतें हुई थी, किसानों ने शिकायतें की थी स्थानीय प्रशासन से, रामपुर प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से, डीएम से, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई थी हर स्तर पर, जिसमें मामला सही पाया गया था, जिसके बाद इनके खिलाफ 68 मुकदमे दर्ज हुए थे। तो उसमें 8 मुकदमों में इनको जमानत मिल गई है। और इसकी बाकायदा शिकायत हुई है कि पुलिस ने जो है अदालत द्वारा बार बार मांगे जाने पर आख्या नहीं दी, रिपोर्ट नहीं लगाई, पैरवी को लचर किया, यानी अच्छे से मजबूत पैरवी नहीं की, जिसके बाद अदालत को इनको जमानत देना पड़ा। तो इसको लेकर एक बाकायदा मुख्यमंत्री शिकायत हुई, जो स्थानीय नेता आकाश सक्सेना, उन्होंने बाकायदा लिखित शिकायत की, जिसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि कई अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी शिकायत के बाद जो है जांच शुरू हो गई है। और कल देर रात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से, शासन की तरफ से वहां के पुलिस अधीक्षक का तबादला भी कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि जिन अधिकारियों की भूमिका रही है इस पैरवी को लटकाने में, रिपोर्ट न देने में, जिन्होंने लचर पैरवी की, उनके खिलाफ जो है और एक बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। जी अच्छा आलू, क्योंकि आकाश सक्सेना लगातार शिकायतें कर रहे हैं, और अभी हाल ही की अगर बात करते हैं तो रामपुर के एसपी का भी यहां से तबादला किया गया है, क्या ये मानकर चले कि ये कार्रवाई भी उसी का ही एक हिस्सा है? जी बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें शिकायतें आ रही थी, क्योंकि लगातार अदालत द्वारा जो है पुलिस से मांगा जा रहा था, रिपोर्ट मांगा जा रहा था, क्योंकि मुकदमों की सुनवाई चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया जो है वो बढ़िया नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पुलिस जो है लचर कार्रवाई कर रही थी, अच्छे से पैरवी नहीं कर रही थी, अच्छे से रिपोर्ट नहीं दे रही थी, जिसके बाद अदालत को मजबूरी में जो है कहीं ना कहीं 8 मामलों में जमानत देनी पड़ी और जिसकी शिकायत हुई थी। तो इन सब चीजों को लेकर ये कार्रवाई मानी जा रही है कि जो है वहां के पुलिस अधीक्षक का तबादला जो है इसी कारण हुआ है। और इसके बाद और भी कई अधिकारी हैं, क्योंकि थाना स्तर पर तमाम लापरवाहियां की गई हैं, इसके बाद सीओ स्तर पर लापरवाहियां सामने आ रही हैं, जिनको लेकर भी शिकायत की गई है। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच शुरू हो चुकी है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए आलोक मिल रहे हमारे साथ में, बाकी खबरों के अपडेट के लिए भी आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए विषय अब बहुत बड़ा हो चुका है, और जब रामपुर में आजम खान की बात हो, इससे पहले देखिए जब आजम खान को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया वो नहीं पहुंचे, अब सब परिवार उनको सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। खैर अभी उन्हें 8 मामलों में जमानत मिल चुकी है और अब अधिकारियों पर गाज गिरनी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ढंग से पैरवी नहीं की गई, जिस कारण से आजम खान और उनके परिवार को जमानत मिल गई है।
सरकार ने एक और घोटाले की जांच एसआईटी को सौंपी है। गोंडा के जो 28 स्कूल हैं उनमें घोटाले का मामला सामने आया। सरकार ने घोटाले की जांच एसआईटी को सौंपी है। फर्जी तरीके से शिक्षकों की भर्ती कर 94 लाख रुपए वेतन भुगतान का मामला, गोंडा के 28 स्कूलों में घोटाले का मामला, सरकार ने घोटालों की जांच एसआईटी को सौंपी है। फर्जी तरीके से शिक्षकों की भर्ती कर 94 लाख रुपए वेतन भुगतान का यह मामला, और आलू क्राय लगातार बने, मैं आलू किस पर जरा पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से आपसे। देखिए गोंडा जिले का मामला है, गोंडा जिले में 28 विद्यालयों में संदिग्ध तरीके से यानी गलत तरीके से नियुक्ति की गई थी शिक्षकों की, और शिक्षणेतर कर्मचारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति विद्यालयों में की गई थी, जिसको लेकर काफी लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी, मुख्यमंत्री के यहाँ भी शिकायत हुई थी। इसके बाद इसकी जांच कराएगी विभागीय स्तर पर, जिसमें मामला कहीं ना कहीं जो है सामने आया कि इसमें जो है घोटाला हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, नियमों की अनदेखी करके ये नियुक्तियां की गई जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रही। जिसके बाद इसकी जो है शासन द्वारा एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं, और ये आरोप इसलिए भी बड़ा है, घोटाला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हर माह 94 लाख यानी लगभग 1 करोड़ रुपया एक लंबे समय से इन शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन के रूप में सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा था। तो एक कुल मिलाकर एक बड़ा मामला था भ्रष्टाचार का, और मिली भगत करके कहीं ना कहीं शासन के नियमों की अनदेखी करके और शासन के अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को अंधेरे में रखकर ये पूरा नियुक्ति की गई थी जो की पूरी तरह से संदिग्ध थी, जिसके बाद शासन द्वारा जो है इसकी एसआईटी जांच कराने का एक निर्णय दिया गया है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के। सोनभद्र में चट्टान हादसे में मजदूरों की मौत का मामला, देखिए अभी तक भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खान अधिकारी और मृतकों के परिजनों के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। खनिज अधिकारी पट्टा धारक से केस ना करने की एवज में सौदेबाजी कर रहे, 5 लाख नकद समेत 17 लाख दिलाने का वीडियो वायरल। परिजनों की तरफ से 25 लाख की डिमांड का वीडियो में जिक्र है। अभी तक इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये चर्चा का विषय बन चुका है। तो अभी तक हादसे में 5 लोग भी जान जा चुके हैं। न्यूज वन इंडिया इस तरह इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। चट्टान हादसे में मजदूरों की मौत के मामले में खान अधिकारी और मृतकों के परिजनों के बीच में बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर सौदेबाजी चल रही है। खान अधिकारी पट्टा धारक से केस ना करने की एवज में सौदेबाजी कर रहा है, 5 लाख नकद समेत 17 लाख दिलाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन परिजनों की तरफ से 25 लाख की डिमांड का वीडियो में जिक्र है कि परिजन 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अभी तक इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है। योगी सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान हो चुका है। न्यूज वन इंडिया इस वीडियो का पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चट्टान हादसे मजदूरों की मौत के बाद ये सौदेबाजी का वीडियो जरूर लग रहा है। एक चीज बताओ, नगद दे रहा तो उनको क्या मुकदमा आप लड़ना चाहते हो, लिखवाना चाहते हो? मतलब ये आपके सहूलियत के लिए बात हो रही है भाई, वो तो पट्टेधारक है, जो उसको देखना होगा झेल लेगा। आपको नगद धनराशि मिल रहा, सहयोग मिल रहा, वहाँ सबसे बात हुई थी, चूंकि वहाँ अलग ले जाकर हमने सबसे पूछा तो सबने कहा जो जो गाजियाबाद में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। पुलिस चौकी के पास चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कपड़े के शोरूम से लाखों रुपए का चुराया सामान, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल रात 3 बजे हम आए, शादी में गए हुए थे, तो लगा इसका लोगो वगैरह टूटा हुआ था, सारा शटर उठा के देखा तो सारा सामान गायब था इसका। अच्छा, रात में यानी कि कोई शटर उखाड़ के चोरी करके ले गया? हाँ जी, हाँ जी। कितने रुपए का नुकसान हुआ तकरीबन? इसमें लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का। 3 लाख का? कोई पुलिस वगैरह में कंप्लेंट किया? हाँ, पुलिस वगैरह में कंप्लेंट की, 100 नंबर पर रात ही फोन करा था, वहाँ कंप्लेंट दी थी, अब यहाँ पे चौकी में दिए। ये दरअसल रात 3 बजे हम आए, शादी में गए हुए थे। चलिए इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।